नमस्कार दोस्तों। तो हिंदी पाठों की श्रृंखला में या सीरीज में हम चल रहे थे दूरबा नामक पाठ्य पुस्तक, जो कि क्लास 8th से है। इसमें आज तीसरा पाठ पढ़ेंगे, चिट्ठियों में यूरोप। तो इस पाठ का क्या महत्व है, चिट्ठियों में यूरोप को किस प्रकार से दर्शाया गया है, या उसमें यूरोप चिट्ठियों में यूरोप की बात कही गई है, उनमें क्या बातें लिखी हुई हैं, किसके लिए क्यों लिखी हुई हैं, तो इन सभी बातों के बारे में आज हम इस चिट्ठियों में यूरोप नामक पाठ से जानेंगे। तो कब की बात है, 22 मार्च 1989 की बात है, यूगोस्लाविया नेविसाद की बात है ना। तो उनके लिए चिट्ठी लिखी गई कब, 22 मार्च 1989 को। तो लिखी कि प्रिय नीलू, शेरू, ककू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी। किसने लिखी, उसकी मम्मी ने। तुम सबको खूब प्यार, अर्थात तो वह अपने बच्चों के लिए एक पत्र लिखती है कि यहाँ आज यहाँ पहुँचे 1 हफ्ता हो गया, अर्थात 7 दिन हो चुके हैं, कि मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है, सारे पेड़ नंगे खड़े हैं, एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है, और एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है, फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैंगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफ़ेद कुमुदनी जैसे होते हैं। कुमुदनी क्या है, कुमुदनी का एक पौधा होता है जिस पर फूल फूल आते हैं, तो कुमुदनी का फूल बोलते हैं उसे। तो कुछ लाल कुछ पीले, खुशबू नहीं होती। आज इतवार है, सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ, जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में होता है वह। क्या योगर्ट, रोज सूप होता है, उसमें सफ़ेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है, बरबटी जैसी। फिर आइसक्रीम, यहाँ 3 कोर्स रोज सुबह शाम होते हैं। खाते खाते उकता उकताहट हो रही है, अर्थात हम उकता रहे हैं। कभी 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 चावल होता है स्ट्यू, यानी करी के साथ, करी मिस जैसे उसकी बेसन की जो बनाई जाती है, करी के साथ खाने के लिए। एक दिन खरे सिक्के चिल्ले जैसी एक मिठाई आई, उसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा था, है ना। सेवइयाँ पानी में उबली सूप में रहती हैं, और ब्रेड, तो सुबह ब्रेड बटर, मार्मलेड, जेली या शहद, तो 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक डिब्बियों में। अर्थात यूरोप में जो खान पीन का जो वर्णन है तो इस पाठ में किया गया है। शहर के बीच दूना नदी बहती है। दूना क्या है, एक नदी है जो कि शहर के बीचों बीच बहती है, यह यूरोप के कई देशों में बहती है, नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। नेविसाद, आगे चलते हैं कि नेविसाद शहर भी मिल जाएगा। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के, 1 सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस की कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी हैं, लोग कहते हैं मत खरीदो। रोज़ बाजार से गुजरते हैं तो लोगों की याद आती है बच्चों को देखकर। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं, इस देश के भी और हंगरी के भी। कल हमने देखे यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप होने वाली है, एक आध रोज देखेंगे। बाजार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। यहाँ इस शहर में हजारों वर्ष पहले आए भारतीयों की संतानें हैं, यूरोपीय मालूम होते हैं यहाँ की, यही की वेशभूषा भाषा। लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। हमारे कमरे की खिड़की में खेल के मैदान दिखते हैं, अर्थात कई सारे मैदान वहाँ पर दिखते भी थे। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है, अर्थात वहाँ यूरोप में उसके जो घर था वहाँ से क्या है, उसका मैदान दिखाई देता था। वह कहते हैं एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है, एक टीम की वर्दी सफ़ेद है तो दूसरे की लाल। मैदान यहाँ से लगभग आधा फलडंग दूर है, पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है इसलिए साफ दिखता है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। हम लोग 22 हो गए हैं। 17 देश, माल्टा, मॉरिशस, मैक्सिको और बोलिविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड, अर्थात उन सभी 17 देशों के बारे में वह बताती है। नेपाल का एक लड़का दुबासिया है, टंक प्रसाद ढकाल, उसके बारे में कहा गया टंक प्रसाद ढकाल, अर्थात उसका नाम था टंक प्रसाद ढकाल।
कि कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस से। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी। हमने खिड़की से सफ़ेद कपड़े पहने थे, नीचे से ऊपर तक। सर पर सफ़ेद टोपी जैसी दिख रही थी। 51 अर्थात 50 लोग थे। आगे के हाल बाद की चिट्ठी में लिखेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगा कर हमको चिट्ठी लिखना। तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो। सोमदत्त। तुम्हारा पापा सोमदत्त। अर्थात सोमदत्त जो लेखक हैं, उन्होंने इस पत्र के माध्यम से एक पिता और माँ का जो प्यार बच्चों के प्रति या अपने बच्चों के प्रति होता है, और उन जिनकी कह सकते हैं जिनकी यादें हैं वे करते हैं, क्योंकि वो जो उनके बच्चे थे बाहर पढ़ाई आदि किया करते थे, तो उस समय चिट्ठियों में यूरोप, तो उस समय वे यूरोप में रहा करते थे, और कहाँ पर, यूगोस्लाविया नेवी साल में। तो उन्होंने अपने बच्चों को यूरोप की जो सिचुएशन है उस समय की, उससे अवगत कराया है कि इनको ये सभी बातें याद हुआ हैं। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं। हफ्ता, हफ्ता मीस क्या होता है? सप्ताह। उक्ताहट मीस बेचैनी या अधीरता। दुभाषीय मीस दो भाषाएं जानने वाला, मध्यस्थ जो उन भाषाओं के बोलने वाले दो व्यक्तियों की वार्ता के अवसर पर एक को दूसरे का अभिप्राय समझाए। अर्थात दो बातों को समझ करके उसको समझा दे किसी को, जिसकी समझ में वह दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं जानता हो। विद्या जैसा पेड़, पत्र लेखक का संकेत मोर पंखी की ओर है। विद्या जैसा पेड़ क्या है? मोर पंखी, मोर की जो पंख होती है उसकी ओर। योगर्ट दही जैसा खाने का एक पदार्थ होता है जो कि यूरोप आदि में चलता है। बरबटी एक पतली लंबी फली होती है। खरा सिका, खूब अच्छी तरह सिका हुआ या करारा। खरा, खरा मिस ढंग से सिका हुआ। चिल्ला मिस खाने की चीज़। 51 मिस लगभग 50 संख्या। फल्लांग मिस दूरी का एक माप होता है। एरोग्राम विदेश भेजे जाने वाली एक चिट्ठी होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्रश्न है, पत्र के आधार पर बताइए। आप बताएंगे कि इस पत्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। इस पत्र का लेखक किस शहर देश की यात्रा पर गया था? है ना, यूरोप की देश। इस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं और वहाँ कौन कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? तो पाठ को पढ़ के आप समझ गए होंगे। उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। लेखक ने यह क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो? भारतीय खाने में कुछ चीज़ें और चावल, सेवैयाँ, मिठाइयाँ यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती हैं। क्या भारत में ये चीज़ें अलग अलग ढंग तरीक़ों से बनाई और खाई जाती हैं? पता करो और बताओ। दूना नदी यूरोप के कई देशों में बहती है। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों के बीच बहती हैं। कुछ ऐसी नदियों के नाम लिखो और यह भी पता करो कि वे कौन कौन से राज्यों में से होकर बहती हैं और क्यों बहती, कहाँ से होकर बहती हैं, है ना। मौसम और ऋतु। पत्र में लिखा गया कि मौसम अच्छा चल रहा है या बसंत आ रहा है। भारत के अलग अलग भागों में भी अलग अलग तरह का मौसम होता है। कितना कितना, अर्थात भारत में 6 ऋतुओं को मानते हैं, जो साल भर अलग अलग ऋतु अपना प्रभाव दिखाती हैं, है ना। तो तुम्हारे प्रदेश में साल भर कैसा कैसा मौसम रहता है ये भी बताओ। खान पान, अपने प्रदेश की कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम बताइए। मनपसंद व्यंजन को बनाने का तरीका भी बता सकते हैं आप। सामग्री कितनी लगती है, किस किस प्रकार की विधि से लगती है। इसी पुस्तक के किसी पाठ में या कुछ लोगों को कोई खास वस्तु इकट्ठा करने का शौक होता है। कुछ लोग गुड़िया पुस्तक चित्र, तो कुछ लोग डाक टिकट इकट्ठे करते हैं। यदि तुम्हें भी कोई चीज़ इकट्ठा करने का शौक है तो उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। तो इन सभी प्रश्नों के जो कि नॉर्मल प्रश्न हैं, है ना, तो इन सभी इस पाठ को पढ़ करके आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये देखो साथियों, जो पत्र अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों, बातों को, विचारों का दस्तावेज होता है, इसलिए महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन भी किया जाता है और समय समय पर उससे लाभ भी उठाया जाता है। तुम्हें पता होगा कि भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन भी चला था, जिसमें सरदार भगत सिंह भी शामिल थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उनके द्वारा अपने मित्रों को लिखे गए पत्र को आगे दिया गया है, तुम इसे पढ़ो, है ना। तो यह पत्र है, तो भगत सिंह जी ने अपने मित्र साथियों को लिखा था उस समय, कब, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और ज़्यादा कुछ खास इस पाठ में है नहीं।
केवल यूरोप के खान पान, रहन सहन, वहाँ के तौर तरीके आदि के बारे में वर्णन किया गया है। सो गाइस धन्यवाद, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।